हेलो दोस्तों, पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस औषधीय गुण वाले पौधे के बारे में बताएंगे। आमतौर पर इस पौधे को एक खरपतवार के रूप में जाना जाता है, जो खुले जमीनों पर, बंजर भूमि पर, समुद्री नदी आदि के किनारे या कम पोषण वाली भूमि पर अपने आप उगा हुआ दिखाई दे सकता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम ट्रोम्फेटिया रोम्बियोडिया है, जिसे अंग्रेजी में डायमंड बुधपाथ कहते हैं। यह पौधा एक खरपतवार के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में इसके फूल, पत्ते और इसके छोटे छोटे बीजों को ध्यान से देखिए। इसका बीज गोलाकार और उसके ऊपर नोकीले बालों जैसे निकले होते हैं, जो शरीर पर या कपड़ों में फंसकर एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते रहते हैं। यह पौधा लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है और इस पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। कई जगहों पर इस पौधे की पत्तियों को सब्जी की तरह पकाकर खाया जाता है। जब यह पौधा 75 से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाता है, तो इसको नीचे से काटकर इसकी स्टिंग के हरे छाल को निकालकर उसे गर्म पानी में उबालकर उसके अंदर के मुसले यानी सिलेस्मा को निकाला जाता है और उसे सूस या सास बना करके खाया जाता है। इसके सिलेस्मा में हाई एनर्जी वैल्यू होने की वजह से इसे उन महिलाओं को दिया जाता है जो हाल में बच्चों को जन्म दिया है। इसके छाल को निकाल कर इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको बाद में उपयोग में लाया जाता रहता है। इस पौधे को कई जगहों पर पारंपरिक लोक औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे इसकी ताजी जड़ की छाल को लेप बना करके घावों के ऊपर लगाया जाता है। इसके कुचले पत्तों को घावों या कटे हुए जगह पर ड्रेसिंग की तरह उपयोग किया जाता है। गले के गोइटर रोग में इसके पत्ते को ड्रेसिंग की तरह उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ पशुओं के रोग हेलियोसिस के इलाज में इसके पत्ते का रस का उपयोग किया जाता है। इस पौधे को कटिंग के द्वारा छायादार जगह पर लगाया जाता है। अफ्रीका में कई जगहों पर इसकी खेती की जाती है और इसके डंठल को काटकर बाजार में इसके सिलेस्मा के उपयोग के लिए बेचा जाता है। यदि यह जानकारी आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।